रेक्टेंगल ले लीजिए आप तो 10 बारह, 10 बाय 12 के बनाते, ज्यादा बड़ा किचन नहीं। डी एंटर 10 फिट 12 फिट। अब इसके आपको वॉल जो देनी है वो आउटसाइड में देनी है ना, ऑफसाइड दे देंगे बाहर के साइड 9 इंच का। अब आपको डोर किधर देना है, नहीं डोर तो भी चलेगा, मैं चाहे तुम्हें क्या करता हूँ, इस अंदर वाले रेक्टेंगल को कर देता हूँ एक्सट्रूड और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको भी एक्सटेंड कर दो, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन डिलीट कर, तो मैं तो वैसे चाहिए नहीं, दो वॉल के ऊपर दिखा दूंगा आपको सारा बनने का। हाँ अब इसको और इसको जे से ज्वाइन कर दो आप, सेलेक्ट सेलेक्ट ज्वाइन कमांड एंटर, वापस सेलेक्ट सीओ कॉफी कमांड एंटर कॉफी कर। यहाँ पर आप विंडो बना दीजिए, इसमें मिड पॉइंट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, सेलेक्ट ऑफसेट 2.5 फीट, ढाई फीट इधर ढाई फीट इधर, 5 फीट की विंडो रहेगी। अब आपको क्या करना है कि ये तो बना हुआ है, इसको आपको इधर से 2 फीट कम करना है। दो फीट ही रखा, बाकी हट गया। एक काम करो, यहां से एक लाइन खींच के भी लाइन का ऑफसेट करो, सेलेक्ट करके एम एंटर करेंगे ऊपर ले लेंगे हम, एफेक्ट ऑन किया 12 इंच 124 इंच, ये ट्रिम कर दिया। और ट्रिम पहले ये वाली लाइन होगी ना, तो ये हट गई थी, अभी इसको इसको करो, ये ज्वाइन है। अब आपको कितनी हाइट रखनी है, कितना आपको स्कर्टिंग रखनी है, कितना आपको पत्थर लगेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। हाइट कितनी होती है, और लाइन में ले रहा हूँ 34 इंच, तो 34 एंटर। ऊपर से मैं यहां से ले रहा हूं 2 फीट, या भी आप 26 इंच ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं। हाइट ले रहा हूँ, थिकनेस ले रहा हूँ 2 इंच। इस लाइन का मैं ऑफसेट ले लूंगा 1 इंच का इधर, मैं यहां से लाइन ले रहा हूँ 23 इंच, सेलेक्ट ऑफसेट 6 इंच का स्कर्टिंग दे सकते हैं तब, पर 4 इंच का ही दूंगा मैं। ऑफसेट वापस कर दीजिए 1 इंच के ऊपर, EXT एक्सटेंड, इसको भी एक्सटेंड करो। वापस बनाना पड़ेगा इनको, ये छोड़ देते हैं, बाकी इतने इतने रखा है अभी, इसका टीम बाद में अलग से दे देंगे हम। अब यहां से भी आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, यहां से यहां तक, और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ट्रिम कर पा। अब आपको कॉर्नर को फिलेट करना पड़ेगा, फिलेट करने के लिए आपको एफ एंटर, फिर इसके अंदर आप रेडियस दे दीजिए, रेडियस 1 दे रहा हूं मैं यहां पर, और सेलेक्ट इसको और इसको करा, फिर इसी को और इसको कर दिया। फिर इस ओवरऑल ऑब्जेक्ट को जे कमांड से ज्वाइन कर दें आप, पर आपके पूरा ज्वाइन हो जाता है, ज्वाइन का पूरा ग्रुप करना पड़ता है इसको। ज्वाइन मत करो, अगर ज्वाइन नहीं होता फिर बाउंड्री कमांड भी डैश बी।
इसको ग्रुप में ना होता। ग्रुप से भी काम नहीं आता वो चीज। फिर SW एंटर थ्री डी व्यू में जाएंगे, डैश व्यू SW। अब जो आपने ये फ्रेम क्रिएट करी, इसको पहले आप रोटेट कर दें। रोटेट के लिए RO लगाएं, सेलेक्ट यहाँ क्लिक करें, एंगल दे दें 90 डिग्री, एंटर। सॉरी, आपको रोटेट वो वाला करना है ना, 3DR वाला। सेलेक्ट M, एंटर। इसको आप एक बार यहां लगा दें। अब आप रोटेट नॉर्मल रोटेट से कर दो, रोटेट और उसमें ठीक है। अब आपको सेलेक्ट करके SW एंटर और स्वीप पाथ इसको दबाना। अब आपको सेट कमांड लगानी है। अब इस लाइन का ये ऑफसेट कर देंगे हम 24 इंच का। यहां पर मैं कमांड लगा देता हूं प्रेस पुल, हाइट रखता हूं 4 इंच, मतलब 4 इंच है ना। और यहां पर भी मैं प्रेस पुल ले सकता हूं, इसकी हाइट में ले लूंगा ओवरऑल 11 फीट। इसको भी दे दीजिए 11 फीट, दे सकते। इसकी हाइट दे लेता हूं 4 फीट। इन तीनों को तो आप यूनियन कर दो। इसको उठाकर ले आओ, एम एंटर करेंगे, ठीक है। अब इसके नीचे आप यहां पर प्लेन लगा दो या बॉक्स कमांड से सरफेस क्रिएट। ग्रिड बंद कर दो, F7। ये आप एक बार यहां तक रख करके अब इसको 6 इंच ऊपर लेना हो, ठीक है बराबर। यहां यहां मैंने उन्होंने 4 फीट हाइट ले ली थी, उसको मैंने कम करने के लिए प्रेस पुल कमांड का यूज करके इसका रेफरेंस ले लिया, तो इतना ही हाइट रही। फिर इसको चेंज ऊपर मैंने प्रेस पुल कर दिया वापस, तो वो गया स्लैब से चेंज ऊपर ही रहती है विंडो। अब आपको विंडो की फ्रेम बनानी पड़ेगी। REC एंटर फर्स्ट पॉइंट, P एंटर। हेलो, करना भी मैं फ्री नहीं हूं, मैं क्लास स्टार्ट हो गई। आपको फर्स्ट पॉइंट दे हुए, REC लगाया फर्स्ट पॉइंट, P एंटर। लेंथ ले लेता हूं मैं 5 फीट और विड्थ ले लेता हूं 4 फीट, ठीक है। फिर इसका ऑफसेट करूंगा 3 इंच का इनर साइड। फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एक्सप्लोर कर दीजिए, इसके ऊपर कमांड लगा दे DIV, डिवाइड। सेलेक्ट थ्री पार्ट, पीटी कमांड में जाएंगे पॉइंट टाइप, एल एंटर कर दे बस, यहां से ऑफसेट कर दे इसका 1.5। इसको डिलीट कर दें, कॉपी कर ले यहां से।
जैसे जॉइंट डैश व्यू एस डब्ल्यू एंटर। अब आपको प्रेस पुल कमांड का यूज कर ले, फ्रेम की हाइट 3 इंच, अंदर वाले की हाइट 0.25। सेट लगा दो, सेलेक्ट सेलेक्ट मतलब तीनों को सेलेक्ट करना है ना, इसको इसको इसको, एम एंटर करेंगे हम 2 इंच ऊपर। इसको पूरे को बना देता हूं जी से ग्रुप डीडीआर 90 डिग्री, एम एंटर, सेलेक्ट, इसको अंदर डालना। अब आपको 3 इंच अंदर डाल दो बस। अब इसके ऊपर वाला जो आपको रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, तो वो अब क्या करोगे, आपको यहां से लाइनें खींचनी पड़ेगी, या फिर आपको यहाँ बॉक्स बनाना पड़ेगा बॉक्स कमांड लगा करके। बट अब यहाँ पर कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे यूसीएस नहीं चल रहा हमारा। फिर मैंने मैन्युअली लिया है ना ऐसे, मतलब पहले आपको रिबॉल ही ले लेना, मैंने ना वो टाइप पहले करा नहीं था इस काम पर। तो हाँ, प्रेस पर आप करेंगे उसको। अब इसको यूनियन, इसको इसको ठीक है। अब इसके ऊपर मटेरियल लगाना है, तो MAT मटेरियल, मटेरियल यहाँ पर आप ऑटोडेस्क पे जाइए, यहाँ पर जाइए, फिर यहाँ पर कॉन्क्रीट पे जाइए, ठीक है। हाँ जी सर, अरे ग्रुप ओपन करो, अरे ग्रुप। हाँ इसके वोट लगा दिया, और ऊपर वाले पे ग्लास लगा दिया। कोई भी लगा दो, जरूरी नहीं है मैं लगाऊं वो का, वो ही आपको यूज करना है, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी सेलेक्ट, इस पर इसको आपका सप्लाई साइन कर, इन वॉल पे भी कलर कर दीजिए आप, पेंट पे जाइए पेंट कलर ले लीजिए, या कोई भी ले लो। फर्श पे आपको यहाँ पर फ्लोरिंग लिखा आएगा वो ले लीजिए, कोई भी आपको सही लगे वो आप ले लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको कुछ यूज करना है, जैसे मेरे को कॉन्क्रीट दूसरी यूज करनी है स्कर्टिंग के लिए, तो आप यहाँ पर कहीं करो। कोई सा भी ले लेना आप, मैं तो ऐसे ही लगा रहा, ठीक है। अगर आपको सिंक क्रिएट करना है, तो पहले यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से ले रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल टूल है, इससे क्या बोलते हो, इस तरीके से वो मेटल नहीं दिखेगा आपको। सेलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को, एक को आइसोलेट कमांड लगा देते हैं, सेलेक्ट प्लान में जाते हैं, प्लान लिखा VS एंटर टू एंटर। अब जो मैं सिंक बनाऊंगा वो मैं इधर के साइड करूँ, तो वहां इधर तो मैं फ्रीज लगा दूंगा, फ्रीज के बाद तो पानी का, तो यहां पर मैं रेक्टेंगल लेता हूं, पहला पॉइंट मैंने यहां दे दिया,
डी एंटर करता हूं डायमेंशन के लिए। अब मैं जो इसकी लेंथ है ना वो रख दूंगा 24 इंच, विड्थ है ना वो रख दूंगा 20 इंच। सेलेक्ट करके एम एंटर करेंगे, इधर पीछे से 1 इंच छोड़ देंगे, इधर से 3 इंच गैप लेंगे इधर से। अब इसी को सिलेक्ट करके आपको इनको इसका पहले कॉर्नर फिलेट करना पड़ेगा, तो फिलेट करने के लिए आपको एफ एंटर आर एंटर रेडियस, रेडियस मैंने डाल दी 3, यहां से ले लेता हूं पॉली लाइन, डैश व्यू एस डब्ल्यू एंटर। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर क्रिएट हो रखा है, इसको कोई नहीं कहीं पे भी ले जाओ, इसको एक्सट्रूड कर दो यहां पर। अब इसको इसमें से हटाना है तो एस यू बी सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। अब इस ऑब्जेक्ट को एम एंटर करेंगे, वैसे इसको भी एक्सट्रूड कर ही दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सट्रूड करा, हाइट रख रहा हूं 10 इंच रख रहा हूं। अब इसी को सेलेक्ट करके आपको कमांड लगानी है आइसोलेट वापस। अब आप कमांड यूज करेंगे उसका नाम आएगा सॉलिड एडिट, इसमें बॉडी सेल सेलेक्ट टॉप सेलेक्ट एंटर, साइडों से डिस्टेंस कितना छोड़ना 1 इंच का। समझ गए, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मतलब चाइल्ड में ऑफसेट नहीं ले रखा है। सॉलिड एडिट क्या करता है कि इसको एडिट कर देगा, चारों साइड 1 1 इंच थिकनेस छोड़ देगा, बाकी को हटा देगा, ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। अब तो सेल में जाओगे, इस पूरे को सेलेक्ट करना है एक बार, तो अब जिस चीज को रखना है, जैसे मतलब मैं दोनों साइड से हटाना चाहूँ ना, तो दोनों साइड से सिलेक्ट करके एंटर करके 1 इंच जगह खाली कर दिया पूरा बीच में से। एक प्रेस लेंगे तो तीनों साइडों से मतलब गैप मतलब जो भी आउट चारों में बॉटम में सब जगह इसने इक्वल डिस्टेंस रख देगा। सॉलिड एडिट बॉडी सेल सेलेक्ट टॉप सेलेक्ट एक एंटर, सॉरी एक एंटर आप करेंगे, वापस बाहर आ जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब यहां पर आपको यूज करना है फिलेट एज रेडियस, आप क्या करो कि 1 इंच डाल देते हैं वैसे। एक बार एक कॉर्नर कोई फिलेट हो जाए ना उसे बात टेंशन नहीं, बट ये होता बहुत दिक्कत है, हो गया सारा कैसे फिलेट एज लोगे ना, एज के ऊपर क्लिक करते डबल एंटर करना बस। आप देखो एक बार वापस बताए, अभी यहां पर तो एक एज मैंने फिलेट कर दी ये वाली, अब नहीं है ठीक है, हटा दिया मैंने ये भी। ओके हाँ फिलेट एज रेडियस जो चाहिए आपको डालनी है, एक चाहिए मेरे को। अब इस एज को सिलेक्ट करूंगा, ये हो रहा है तो हाईलाइट कर रहा है, एंटर एक और एंटर हो गया, फिर वापस इधर क्लिक करना है, यहां पर कमांड वही चलेगी ठीक है, ये हो गया। हाँ ये आपको कुछ राउंड दिखने लग जाएगा। अगर आपको ये वाले कॉर्नर भी फिलेट करने हैं तो फिलेट एज रेडियस दे दूंगा यहां पर 0.25, और यहां पर भी दिक्कत आएगी थोड़ी सी, बाद में नहीं आएगी ठीक है। 0.25 में इतनी थिकनेस ले रहा है रेडियस, अब ऐसे नहीं करे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, चैम्पर कर सकते हैं इसको, चैम्पर एज भी कमांड आती है, ऐसे ही रखते अभी तो। अब मैं अनहाइड करता हूं जिसको मैंने हाइड कर रखा है, इसको उठाया एम एंटर किया, इसको और इसको मैं यूनियन कर दूंगा या फिर मैच प्रॉपर्टी कर देता हूँ, एम में लगाया
बट इसमें मेरे को मेटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा। यूनियन कर दूंगा तो ऊपर वाला एरिया एक हो जाएगा, बाकी वाला नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है? एक बार इतना ही करके लाओ। सिटी ये सारे काम अपन प्लेयर्स नहीं करते। लेयर में बनती नहीं है, एड जो होती क्या आप डालोगे अपने चैनल पे?